एमएस धोनी ने किया आईपीएस अधिकारी पर मुकदमा, अदालती फैसले के खिलाफ बयान पर उठाया कदम। 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले की जांच के लिए जस्टिस मृदुल कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने कथित आपत्तिजनक बयान दिए थे। अब महेंद्र सिंह नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स भी फंसी थी स्पॉट फिक्सिंग में, क्योंकि उसके कुछ अधिकारी सट्टेबाजी के दोषी पाए गए थे। ये मामला भले ही अब बीती बात हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर ये चर्चा में आ गया है, क्योंकि धोनी ने इस मामले में बयानबाजी के लिए एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने और उन्हें समन जारी करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक धोनी ने 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में उनसे धोनी से जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अदालत से हजारे के तौर पर 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था। तब अदालत ने 18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित करके संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरीके का बयान देने से रोक लगा था, लेकिन आईपीएस अधिकारी ने महेंद्र सिंह धोनी पर तरह तरह के आरोप लगाए, जिसको लेकर धोनी ने अब ये कदम उठाया।